के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंची और माता बम्लेश्वरी देवी का दर्शन और पूजा पाठ कर आशीर्वाद लिया। इस समय कोरोना के चलते पूरा देश कोरोना का दंश झेल रहा है, बावजूद इसके देश विदेश से लेकर आम जनता तक खबर पहुंचाने का कार्य करने वाले मीडिया को ही कवरेज करने से रोका गया। वहीं सभी आमजनों को मंदिर प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा दी गई, बावजूद इसके कोरोना के लिए बनाए गए नियमों को ठेंगा दिखाया गया और ना कोई प्रोटोकॉल का कोई निर्देश आया। ऐसे में फिर उन नियमों का क्या होगा जो कोरोना के चलते बनाए गए? क्या ये नियम केवल आम जनता के लिए ही बनाए जाते हैं? नियम बनाने वाले ही यदि नियम तोड़ने लगे तो उन नियमों का क्या? छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। देशवासियों को इस संक्रामक कोरोना जैसी बीमारी से रक्षा करे और साथ ही इस प्रदेश के में खुशहाली लाए और पूरे प्रदेश में एक सुख और शांति आए, जिससे कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ और प्रदेशों की तुलना में आगे बढ़े। यही मैंने माँ से प्रार्थना किया है। इस कहानी के पीछे मेरा यही उद्देश्य। मैडम, पिछले दिनों लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव सामने आ रही है। देखिए, कोई टकराव नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होता है सरकार तो आखिर एक राज्यपाल के होने के नाते मैं उसकी संरक्षक और मुखिया होती हूँ। टकराव मेरे से कोई वो नहीं। कई चीज़ों में ऐसी हमारा जो नियम कानून प्रक्रिया होती है तो समय समय पर मेरा ये फर्ज होता है कि मैं उसकी जानकारी बुलाऊं। किसी भी तरह से लोग मेरे पास आते हैं तो संबंध में मैं शासन का ध्यान आकर्षित करती हूं और जहां सरकार भी मेरे उस चीज़ को बड़ा संज्ञान और गंभीरता से भी लेती है और समय समय पर उन तमाम चीज़ों का नीतिगत ऐसे मामलों का समाधान भी हुआ।
अब ये सारी चीजें अगर कोई चीज आती है तो इसको टकराहट नहीं बोला जाता। और समय समय पर मंत्री भी कुछ कंफ्यूजन था, आपने देखा होगा जो सत्र के लेकर मैंने जानकारी मांगी तो इसमें टकराहट की क्या बात हो गई। हर चीज में संवैधानिक नियम कानून प्रक्रिया से ही कार्य कर रही हूँ और इसमें कहीं कोई आपने देखा होगा और जनहित के मामलों को शायद ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि और पहले के पता नहीं राज्यपाल जो है काम नहीं करते थे तो उनके बारे में कोई बात नहीं होती थी। मैं हमेशा जनता और जनभावना की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का काम करती और करते रहूंगी। थैंक यू मैडम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.